और इस कंप्लेंट पर बाकायदा पुलिस द्वारा मुझे रसीद दी गई है कि भाई मैंने ये शिकायत पुलिस में दी है, ये वो रसीद है जो पुलिस द्वारा मुझे दी गई है। आप देख सकते हैं कि भाई ये कंप्लेंट प्राप्त हो गई है और जो कंप्लेंट की कॉपी है उस पर भी पुलिस ने अपनी स्टैंप लगाई है, ये आप देख सकते हैं। तो पुलिस ने मेरी कंप्लेंट रिसीव करने के बाद उसकी मुझे रिसीविंग दी है, जो कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये कंप्लेंट हमने दोस्तों जो नाबालिग बच्चों का अवैध तरीके से जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, ये हमने लिखित में कंप्लेंट बल्लभगढ़ पुलिस को दी है और हमारी जो हरियाणा पुलिस है वो हमारी हरियाणा पुलिस इस मामले में संजीदा है जो अब तक देखने को मिला है। और जब मैंने ये कंप्लेंट दी तो बल्लभगढ़ थाने के एसएचओ ने बाकायदा मुझे ये कंप्लेंट पर डिटेल से जानकारी ली और मैंने उनको कानूनी रूप से भी और कंप्लेंट के बारे में भी सारी चीजों से लीगली तौर से अवगत कराया। श्रीमान जी, आपके क्षेत्राधिकार से इन नाबालिग बच्चों को सीमा व सचिन मीना के साथ से बरामद किया गया है और इस प्रकार यह मामला आपके क्षेत्राधिकार में आता है व आपको इस शिकायत को सुनकर व इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके सभी दोषियों को गिरफ्तार करके अदालत में सजा दिलाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वह इस कृत्य द्वारा झगड़ा व फसाद तथा नफरत फैलाई जा रही है तथा दो समुदायों में धार्मिक दवेश फैलाकर, दो समुदायों में कम्युनल राइट्स फैलाकर देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालकर कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं, जिनकी भावनाओं को आहत कर उन्हें नीचा दिखा रहे हैं और कुछ अन्य व्यक्ति भी जिनके नाम पता मालूम नहीं है, जो पता चलने पर पुलिस में दिए जाएंगे, वो सीमा हैदर, सचिन मीना और नेत्रपाल के साथ मिलकर के डॉक्टर एपी सिंह, ये सभी लोग मिलकर के आपराधिक षड्यंत्र रचकर नाबालिग बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, डराकर, धमकाकर, गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके, प्रलोभन देकर अनैतिक तरीके से बिना हरियाणा धर्म परिवर्तन अधिनियम 2022 की कानूनी गाइडलाइन को अपनाते हुए गलत रूप से जानबूझकर बच्चों को प्रताड़ित करने की नीयत से जबरदस्ती टॉर्चर करके गुलाम हैदर के इन चारों बच्चों, जिनमें ए बी सी डी इनके नाम हैं, क्योंकि ओरिजिनल नाम हम आपको सार्वजनिक नहीं कर सकते इसलिए हम आपको ए बी सी डी करके बता रहे हैं, तो हमने उसमें कार्रवाई करते हुए एक क्रिमिनल कंप्लेंट एसएचओ बल्लभगढ़ फरीदाबाद को दी थी, जिसके मुताबिक हमने उसमें लिखा था कि पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन रोके जाने वे नाबालिग बच्चों को बरामद करके शेल्टर होम फरीदाबाद में रखे जाने तथा उनका मेडिकल जांच कराने बारे एक दरखास्त और मुकदमा दर्ज करने बारे धारा 153A 295 120B आईपीसी और आईटी एक्ट 67/2000 व पोक्सको एक्ट की धारा 11AB तथा हरियाणा धर्म अधिनियम एक्ट 2022 सेक्शन 11A व सेक्शन 14 विदेशी अधिनियम 1946 के बाबत मुकदमा दर्ज किए जाने बर खिलाफ सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर, नंबर 2 सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल, नंबर 3 नेत्रपाल पुत्र बिशंबर व डॉक्टर एपी सिंह तथा 5 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करने वाले प्रार्थना पत्र, और गुलाम हैदर के 4 बच्चों, जिनके 4 बच्चों को जो 6 वर्ष की उम्र से कम है उनको भी सीमा हैदर से रिकवरी कर लिया गया था
और सचिन को व नेत्रपाल को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इनके खिलाफ रघुपुरा पुलिस स्टेशन में 159 मुकदमा फॉरनर्स एक्ट सेक्शन 14 1946 एक्ट के मुताबिक विदेशी अधिनियम के मुताबिक दर्ज कर लिया गया। उसके बाद इन सभी को जेवर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इनको जमानत मिली और ये जमानत पे सशर्त बाहर आए थे। मेरी इस शिकायत को सुनकर इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषी गण को गिरफ्तार किया जाए, वे चारों नाबालिग बच्चों को अवैध हिरासत से बरामद किया जाए, वे उनका मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें शेल्टर होम फरीदाबाद में रखा जाए का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, जबकि ये चारों बच्चे जन्म से मुस्लिम हैं और पाकिस्तानी बाय बर्थ नेशनल हैं और किसी प्रकार की लिखित व मौखिक अनुमति या परमिशन इन बच्चों के बायोलॉजिकल फादर से श्री गुलाम हैदर पुत्र अमीरजान निवासी जानी डेरो दखानाबाद सिंध पाकिस्तान से ना ली गई है। ये धर्म परिवर्तन भारतीय कानून भारतीय नागरिकता देने का लालच सीमा हैदर को देकर किया गया है। हमने उसमें लिखा था कि निवेदन है कि शिकायतकर्ता एक भारतीय नागरिक है तथा पेशे से वकील है तथा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गुलाम हैदर पुत्र अमीरजान निवासी जानी डेरो दखानाबाद सिंध पाकिस्तान है। गुलाम हैदर के चार बच्चे, चार नाबालिग बच्चे जिनके नाम ए, जिनके नाम, जिनकी उम्र व पासपोर्ट नंबर लिखित है, नंबर 2 बी, नंबर 3 सी और नंबर 4 डी। जैसे कि सभी को मालूम है कि सीमा गुलाम हैदर के चार बच्चों को लेकर के दिनांक 10/5/2023 को पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत में गलत तरीके से एंट्री कर गई थी और जिसे दिनांक 3/7/2023 को बल्लभगढ़ के चंद्रावली नाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था रघुपुरा पुलिस द्वारा। और दोषी नंबर 4 डॉक्टर एपी सिंह, जो कि कानून का ज्ञाता है, उसके बावजूद वह जानबूझकर सीमा हैदर नेत्रपाल व सचिन के साथ इस अपराध को अंजाम दे रहा है, इस क्राइम को अंजाम दे रहा है। वह चारों नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती धमकाकर, बहलाकर, दबाव बनाकर, गुमराह करके धार्मिक स्लोगन व धार्मिक नारे लगवा रहे हैं और जिनका गलत रूप से प्रचार व प्रसार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में रील बनाकर दो समुदायों में झगड़ा पैदा करने की नीयत से एक समुदाय को नीचा दिखा रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। उनकी निशानदेही होने के बाद इस दरखास्त पर आगे कानूनी कार्रवाई होगी और FIR दर्ज होने के बाद इन बच्चों को बरामद किया जाएगा, इनका मेडिकल कराया जाएगा और इनको बाकायदा कानून के मुताबिक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में इनको पेश किया जाएगा और इनको शेल्टर होम रखा जाएगा और जो दोषी हैं, चाहे वो सीमा हैदर है या सचिन मीना है या एपी सिंह जी है या जो 5 अन्य लोग थे जिन्होंने इन बच्चों का धर्म परिवर्तन करा है, इन सभी बच्चों को लेकर के सीमा हैदर दुबई के रास्ते से नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हो गई और दिनांक 3/7/2023 को चंद्रावली नाला पुल के सामने नियर सेक्टर 59 बाईपास रोड बल्लभगढ़ में पाई गई, जिसे इसी स्थान से रघुपुरा पुलिस के कर्मचारियों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और गुलाम हैदर के चारों बच्चों ABCD को भी सीमा हैदर से रिकवरी कर लिया गया। दोषी नंबर 2 सचिन मीना व नेत्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि रघुपुरा के रहने वाले हैं और इनको इनके खिलाफ एक मुकदमा 159 दिनांक 4/7/2023 जेल धारा 120B व सेक्शन 14 विदेशी अधिनियम 1946 थाना रघुपुरा में दर्ज कर लिया गया
तथा इनको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अब तीनों आरोपी सचिन नेत्रपाल व सीमा गुलाम हैदर माननीय अदालत से जमानत पर हैं। और अब ये जो चारों बच्चे हैं वो सचिन मीना के घर के अंदर अवैध रूप से सीमा हैदर ने रखे हुए थे, सचिन मीना ने रखे हुए थे, नेत्रपाल ने रखे हुए थे, और इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके, ड्रा धमकाकर, लालच दे करके, गुमराह करके और इनके वहां रहने का नाजायज फायदा उठा करके सीमा हैदर को भारत की नागरिकता का लालच दे करके इनका गलत तरीके से, अवैध तरीके से इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जबकि ये चारों नाबालिग बच्चे बाई बर्थ मुस्लिम हैं और पाकिस्तानी नेशनल है। बिना उनके बायोलॉजिकल फादर के उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो अब रघुपुरा पुलिस कानूनी रूप से बाउंड हो चुकी है, वो आके निशानदेही कराएगी कि कहां से जो है उन्होंने बल्लभगढ़ से सीमा हैदर को और उसके बच्चों को रिकवरी किया था और सचिन को गिरफ्तार किया था। ये चारों दोषी, चारों बच्चे सचिन मीना के पास, नेत्रपाल के पास नाजायज हिरासत में है और उन्हें रघुपुरा में रखा गया है। दोषी सीमा हैदर, पत्नी गुलाम हैदर व सचिन मीना, पुत्र नेत्रपाल, दोषी नेत्रपाल पुत्र विशंबर वह दोषी डॉक्टर एपी सिंह जो कि उनका मुंह बोला भाई है, लगातार सीमा के साथ, सचिन के साथ और नेत्रपाल के रिहायशी मकान पर रघुपुरा गौतम बुद्ध नगर में लगातार आवागमन करता है। और इस धर्म परिवर्तन में हरियाणा धर्म परिवर्तन अधिनियम 2022 की अवहेलना की गई है तथा पोस्को एक्ट का पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में, अलग अलग धाराओं में धर्म परिवर्तन करने के जुर्म में, पोक्सो एक्ट में और दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा मेरा बल्लभगढ़ पुलिस से उम्मीद है और ऐसा मेरा मानना है। अगर बच्चे इन दोषीगण की बात को नहीं मानते हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, गलत तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर गलत तरीके से बर्बरता दोषियों द्वारा की जा रही है और जो कंप्लेंट दी थी उस पर भी स्टैंप लगाई है। अब मेरा ऐसा मानना है कि बल्लभगढ़ पुलिस जल्दी ही रघुपुरा पुलिस को नोटिस जारी करेगी सेक्शन 160 सीआरपीसी का और एसएचओ रघुपुरा को इस मामले में बुलाया जाएगा और वो आकर के वो निशानदेही कराएंगे कि कहां से इन बच्चों को सीमा से बरामद किया गया और कहां से सचिन की और सीमा गुलाम हैदर की गिरफ्तारी बल्लभगढ़ के किस एरिया से, किस जगह से की गई, क्योंकि हमारे हरियाणा पुलिस की जो छवि है वो बहुत अच्छी छवि है, जो उत्तर प्रदेश की भी बहुत अच्छी छवि है पुलिस की, लेकिन कुछ अधिकारी वहां की छवि को बिगाड़ रहे हैं, वो स्वयं जिम्मेदार है। और हमारे भारत की न्याय व्यवस्था जरूरी इन कानूनी पहलुओं पर ध्यान करेगी और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। मैंने आपको इस कंप्लेंट के बारे में बता दिया है कि हमने पुलिस के अंदर, सीमा बल्लभगढ़ पुलिस के अंदर सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की एवज में वे पांच अन्य लोग जिनका नाम पता अभी हमें नहीं पता है, बाद में पता चलेगा, के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बल्लभगढ़ पुलिस ने बाकायदा एक कंप्लेंट फाइल कर दी है और उसकी रसीद भी हमें मिल चुकी है। हम उम्मीद करते हैं जल्द इस पे बड़ा लीगल एक्शन होगा और इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और बच्चों को वहां से रिकवरी किया जाएगा। धन्यवाद।